हाय फ्रेंड, माय नेम है जरक शाहजेब और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल जरक क्रिएशन। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक फिर से नए वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लास वन। तो काइंडली वीडियो एंड तक यार देखा करें और लाइक कमेंट जरूर किया करें। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी न्यू वीडियो का जल्द से जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा भाई, आपने करना क्या होता है, आपने पिक्सल ऐप को ओपन करना होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया। ठीक है, अब आपने करना कि इस पेंसिल में मैंने यहाँ पर नीचे लिखा एडिट, तो आपने यहाँ पर कोई भी नेम एडिट कर लेना। न्यू टेक्स्ट को आपने हटा देना है। यहाँ पर आपने कोई भी नेम टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नेम टाइप करूँगा अपने कज़न का आकाश। आकाश नेम लिखने के बाद आपने आ जाना होता है ए बी वाले ऑप्शन में। नीचे फॉन्ट भी लिखा हुआ है ए बी के साथ, आप देख सकते हैं। बाकी फॉन्ट में पिक्सलैब के अपने फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, जो इतने खास नहीं होते, ठीक है, जिससे एडिटिंग नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। बाकी रिसेंट में वो फॉन्ट्स होते हैं जो कि आप मतलब यूज़ करते हैं पिक्सलैब करें, या आपने माय फॉन्ट में अपनी मर्ज़ी के जो फॉन्ट किए होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब जो आप यूज़ करते हैं वो इधर आ जाते हैं। बाकी माय फॉन्ट में अगर आपको फॉन्ट डाउनलोड करने का नहीं पता या मतलब ऐड करने का नहीं पता, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि आप यहाँ पर किस तरह से फॉन्ट ले जा सकते हैं। और बाकी जिन लोगों के पास कोई भी फॉन्ट नहीं है इतने काम के, नीचे 6000 प्लस फॉन्ट मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हर किस्म के मिक्स फॉन्ट है। ठीक है मेरा भाई, वो आपने देख कर मतलब लगा डाउनलोड कर लेने, और यहाँ पर ऐड करने का भी नहीं पता तो वीडियो भी आपने देख लेनी है। अब यहाँ पर मैं कमाल का फॉन्ट लगाऊंगा, बहुत ही प्यारा और अमेजिंग टाइप का फॉन्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा, कितनी डिजाइनिंग इसमें बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अब आपने फ्रेंड करना क्या, आपने इसकी कर देनी है कॉपी। ठीक है, इस नेम की कॉपी करने के बाद आपने करना क्या, आपने कैपिटल लेटर में जे लिखना है। जे लिखने के बाद आपने फिर ए बी वाले ऑप्शन में आना और यहाँ पर आपने फॉन्ट लगा लेना है ये वाला। ठीक हो गया, ये वाला फॉन्ट लगाने के बाद आपने करना क्या, जितने फॉन्ट मैं यूज़ करूँगा आपने मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ से आपको ये वाले मिल जाएंगे फॉन्ट। ठीक हो गया, तीन फॉन्ट मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब ये जो आ रहा है इसमें जो डिज़ाइन बर्ड सा बना है, इसको आपने रोटेट, यहाँ पर आपने आना 3D रोटेट में, इसको -180 पर कर देना। ये इसका जो माउथ है ना, इसके सामने हो जाएगा, मतलब ये आमने सामने हो जाएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हमने ऐसे ही रखना था। यहाँ तक होने के बाद आपने फ्रेंड करना है कि फिर इसकी कर लेनी है कॉपी। अब आपने कैपिटल लेटर में लिखना है ओ। ये वाले फॉन्ट के यार बहुत ज़्यादा डिमांड आई है, रिक्वेस्ट आई है कि भाई ये वाला फॉन्ट जो है ना, इसका लिंक भी दे दिया करें और ये यूज़ किया करें ज़्यादातर। ठीक हो गया, तो बाकी यार फिर इसलिए मैं ये दूसरी तीसरी बार यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर हो गया। लेकिन इसका साइज़ आपने काम कर लेना है, क्योंकि इस दफ़ा एक और भी हमने लगाना है, तो साइज़ आपने यहाँ तक रखना है, फिर इसकी कॉपी करनी है। लेकिन कॉपी करने के बाद आपने ये जो एप्पल है ना, यहाँ पर आपने 3D रोटेट रखना है और वाई एक्स पे कर देना, ये इस तरफ आ जाए, क्योंकि ये जो एप्पल बने हुए हैं ना, इसको इस नीचे रखना है हमने। ठीक हो गया, ये जो बड़े बड़े दो बने हुए हैं ना एप्पल, इनको ऐसे रखना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ले जाना है, तकरीबन यहाँ तक हो गया, डिजाइनिंग हो गई। अब आपने करना क्या है फ्रेंड, आपने इधर आ जाना है। इधर आने के बाद आपने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने सेव एज इमेज पर क्लिक कर देनी है और आपने डिफ़ॉल्ट के सामने चले जाना है यहाँ पर। ठीक हो गया, यहाँ पर आने के बाद आपने ऊपर इसको कर देना है। ठीक हो गया, अब आपको नीचे मिलेगा अल्ट्रा का ऑप्शन। तो मेरी यार तबीयत ख़राब है, कल रात से यार तबीयत ख़राब थी, तकरीबन आज मैं कुछ ठीक हूँ, तो कल मैं यार ग्लास वन की तो खैर वीडियोज़ नहीं बना सका, क्योंकि मेरी डेली की बेस पर 2 या 1 वीडियो ज़रूर आती थी या 3। तो कल मैं एक ही लाइट मोशन स्टेटस की वीडियो बना सका हूँ, अगर वो आपने देख लें नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड इसको मैंने सेव कर दिया। अब आपने करना क्या, अब आपने फ्रेंड आ जाना है एडोब फोटोशॉप टच में। फ्रेंड यहाँ पे आपने आ जाना है पीएस टच में, मैं आ गया हूँ, ठीक है, आपने इस प्लस पर आ जाना है। ठीक हो गया, प्लस पर आने के बाद आपने फोटो लाइब्रेरी में जाना है, वो फोल्डर ढूंढ लेना है जिसमें आपकी पेक पड़ी है। ठीक है, तो आपने मार्क पर ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूँ यार, अगले दिन एक बॉय आया था, ठीक है, मेरे कॉमेंट सेक्शन में, बाकी 2 दिन पहले मतलब एक गर्ल आई है कि यार मेरा जो पीएस टच है वो आप जैसा शो बीच में से नहीं होता, मेरे फोल्डर और आते हैं, आपके और हैं। तो आपने ये यार गलती की होती है, क्योंकि आप जाते हैं प्ले स्टोर पर, वहाँ से पीएस टच नहीं मिलता, ये भाई गूगल क्रोम से मिलता है, बाज़ औक़ात वहाँ पर भी ये मसला करता है। ठीक हो गया, तो बाकी आपने फिर आ जाना है प्लस पर और फोटो लेयर में जाना है और अपना नेम ऐड कर देना है।
तो बात यार ये वहाँ से भी मसला कर जाता है। तो बाकी अगर आपको ये चाहिए पीएस टच मेरे वाला ठीक है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दिया वहाँ पर कांटेक्ट करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या इंस्टाग्राम पर करें। बाकी यार कुछ लोग धोखा इसलिए खा जाते हैं जो पी एस एक्सप्रेस होता है यार वो फोटो एडिटिंग वाला ऐप है, ये नेम वाला ऐप है ठीक है। उस घर ने भी ये गलती की हुई थी, उसने पी एस एक्सप्रेस किया था फोटो वाला, तो कहती है कि भाई ये मेरे आप जैसे नहीं शो होते ठीक है ऑप्शन। बाकी उस बॉय ने भी मुझे ये कहा है, वो तो बहुत दिन पहले उसने मुझे कहा था, तो लेकिन गर्ल एक दो दिन पहले उसने मुझे कहा। तो फिर यार मैंने कहा आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूँ कि यार पी एस एक्सप्रेस फोटो एडिटिंग वाला इफेक्ट है, ये नेम वाला इफेक्ट है ठीक हो गया। अब आपने करना क्या, इसकी दो डुप्लीकेट फ्रेंड कॉपी कर लें, टोटल तीन लेयर होनी चाहिए ठीक है। ये टोटल तीन लेयर होगी, तो वो भाई फोटो फैक्ट वाला ऐप है ठीक है, उससे आप ग्लास फ्रंट नहीं बना सकते क्योंकि आप लोग धोखा इसलिए खा जाते हैं क्योंकि उस ऐप का और इस ऐप का कलर तकरीबन मिलता जुलता है, और उसके ऊपर भी पीएस लिखा हुआ और इसके ऊपर भी पीएस सीसी लिखा, बस यहाँ से पीएस मतलब की वजह से आप धोखा खा जाते हैं। तो प्ले स्टोर पर ये भाई नहीं ऐप मिलता, ये गूगल क्रोम से मिलेगा, वहाँ से अगर आपसे डाउनलोड मिलता तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं प्रोवाइड अपने वाला कर दूँगा। हाँ अगर आपने अदरवाइज़ फोटो फैक्ट वाला करना है तो आप प्ले स्टोर से बुक कर सकते हैं जो उसने किया हुआ था, ये आप लोगों को मैंने कहा आपको बता दूं, बात क्लियर कर दूं। अब आपने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, आपने सिंपली एफएक्स में चले जाना है और आपने लाइट में आ जाना है। लाइट में आने के बाद इस एरो को पकड़कर ऊपर ले जाना है, थोड़ा सा नेम को आप संभाल कर लें ताकि इसमें सही ये लाइट लग जाए। ये देखना आप लग गई सही लाइट, ये ब्लैक हो गया, थोड़ा सा नेम को बड़ा कर दें ताकि आपको भी आसानी के साथ नज़र आ सके। अब आपने इस प्लस के साथ जो आइकन है ना यहाँ पर फ्रंट क्लिक कर देनी और इधर आ जाना है। ये देखना इधर आने के बाद आपने सिंपली इसको फ्रंट कर देना है स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन हो गया। अब आपने फ्रंट सेकेंड लेयर में आ जाना है और सिंपली आपने फ्रंट एफएक्स में जाना है और यहाँ पर आपने ड्रॉप एंड शेडो में आ जाना है। ड्रॉप एंड शेडो में आने के बाद मैंने एंगल इसका ऑलरेडी सेट किया 180 पे, ब्लर इसका 5 पे रखना है और जो डिस्टेंस है 8 पे रखनी है। एंगल 180, ब्लर 5, डिस्टेंस 8 और कलर ब्लैक, और इस पर टिक कर देनी है ठीक है। तो टिक कर दी, अब आपने पहली लेयर की तरह सेम प्रोसेस करना है। अब आपने इसको फ्रेंड मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने आ जाना है थर्ड वाली लेयर में, थर्ड वाली लेयर में आने के बाद आपने सिंपली एफएक्स में चले जाना है। एफएक्स में जाने के बाद आपने बेवल में आ जाना है, अच्छा बेवल में आ गए, इसका कलर ब्लैक कर लेना है। एंगल इसका 135 पे मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। डिस्टेंस और ब्लर इसका चेंज करें ठीक है, ब्लर आप इसका कम करें और जो डिस्टेंस है ये भी कम करें, मतलब आपने 30-30 पे कर लेना, 30 ब्लर, ब्लर 30 और जो डिस्टेंस है ये भी 30 ठीक है, ओके कर दिया। अब आपने ना इस पर 3 दफ़ा बेवल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है ठीक है, 3 दफ़ा लगा लेना है, 3 दफ़ा लग गया। अब आपने इसका ब्लेंड मोड यहाँ से फ्रेंड लैटिन कर देना है ठीक है, लैटिन कर दिया। अब आपने फर्स्ट लेयर में आ जाना है, अब आपने फिर एफएक्स में जाना है ठीक हो गया। अब आपने आ जाना है ग्लो में, तो यार मेरी तबीयत तकरीबन कुछ आज ठीक हुई है, बाकी यार वो क्या कहते हैं मेरा अभी भी थोड़ा बहुत सर चकरा रहा है यार, सोचा आप लोगों के लिए फिर भी मैं यार वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, फिर भी आप लाइक कमेंट यार नहीं करते। तो अब आप यहाँ पर मैंने टेक कर दिया ठीक हो गया, टेक करने के बाद आपने करना क्या है, मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ तो आपने फ्रेंड मैनेज करना है क्योंकि तबीयत ख़राब की वजह से मैं ज़्यादा मतलब ऊंचा नहीं बोल सकता। अब आपने ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, सेकंड लेयर में आके ना ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना, मैजिक वैन टूल ठीक हो गया। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है फ्रेंड, आपने इस पर क्लिक कर देनी है, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जिस दिन वांग सी बनी है ठीक है यहाँ पर आपने आना है और फिल एंड स्ट्रोक में आ जाना है। फिल एंड स्ट्रोक में आने के बाद आपने कलर कोई भी रख लेना ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं रेड करूँगा। रेड करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, मोड प्लस इस दफ़ा कर देना क्योंकि हमने दो नीचे आ रहे थे, दोनों को आपने यहाँ पर कलर फिल करना है, मैं येलो करूँगा। येलो करने के बाद आपने ऊपर आ जाना है फिर ठीक है, यहाँ पर पिक्सल पहले डी सेलेक्ट, अब आपने फिर मोड को इस हालत में कर लेना, ना माइनस करना है ना प्लस करना है, फिर आपने यहाँ पर कलर कोई और सेलेक्ट कर लेना है ठीक है। यहाँ पर मैं ब्लू कर लूँगा, सॉरी सियान किया ठीक हो गया। तो बाकी यहाँ पर फिर मैं नीचे आऊँगा, फिर मैं ये वाला कलर कोई और सेलेक्ट कर लूँगा ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्लू अब किया है, पहले सियान किया, अब फिर आपने ऊपर आना है, ऊपर ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर कौन सा करना है ग्रीन, अच्छा कलर फेल हो गई ठीक है, यहाँ तक तो ये काम हो गया। इसके अलावा भी और हमने काम एक करना है ठीक है, आपने इसी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, ये बोर्ड सेलेक्ट ही रखना है। अब आपने मोड प्लस कर देना है ठीक हो गया, मोड आपने फ्रेंड प्लस कर देना है। अब आप ये जो बचा ए का हिस्सा और के का बाकी ए का फिर
फिर एस का, फिर एच का। अब आपने करना कि अब आपने ऊपर वाली लेयर में आ जाना जिस पर आपने ग्लो लगाई थी। अब आपने यहाँ पे फिर आ जाना है, फिर फिल एंड स्ट्रोक में ही आना है, लेकिन यहाँ पर आपने चेंजिंग क्या करनी, पहले फिल पे है, इस दफ़ा आपने नुएस कर देना है। कलर कौन सा करना है, वाइट, और इस दफ़ा आपने 30 पे रख लेना है, ठीक है। 30 पे रख लिया, यहाँ तक हो गया, ये काम भी हो गया। बाकी ये जो एप्पल वगैरह बचे हैं ना, ये सेकंड लेयर को सिलेक्ट करके मोड आपने इस हालत में कर लेना है, थोड़ा सा जूम कर लेना है। इस दफ़ा कलर आपने कोई और रख लेना है, फेल पे आपने रखना है, ठीक हो गया। मैंने रेड कर लिया, यहाँ पर आपने आना, यहाँ पर आपने कोई और ग्रीन मैंने कर लिया। बाकी आप इस पर भी कलर ग्रेडिंग करना चाहें, एक पर नुएस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको कर लिया। बाकी ये जो पार्ट बचा है इसको भी आप फिल करना चाहें तो आप यहाँ पर मैं करूँगा क्रेक, और फर्स्ट लेयर में आऊँगा, फिर फिल एंड स्ट्रोक में आऊँगा, यहाँ पर मैं नुएस रख लूँगा, कलर वाइट कर लूँगा, यहाँ पर मैं ये वाला कलर रख लूँगा, ठीक हो गया। यहाँ तक हो गया, ये काम मुकम्मल हो गया। अब आपने इसकी डुप्लीकेट लेयर कर लेनी है, ठीक हो गया। अब आपने सेकंड की भी लेयर कर लेनी है कॉपी, और जो लास्ट वाली लेयर है ना इसकी भी कॉपी कर देनी है, ठीक हो गया। कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है, इस पर एक दो दफ़ा फिर बेबल लगा देना है। एक दफ़ा हो गया, ये दो दफ़ा हो गया। अगर इस लेयर पर ठीक ना लगे तो नीचे वाली पे आ जाना है, ठीक है। इस पर दो तीन दफ़ा बेबल आपने लगा लेना, दो दफ़ा हो गया और ये तीन दफ़ा हो गया। अच्छा, तीन दफ़ा बेबल लग गया, यहाँ पर हमारा ग्लास वन रेडी है। आपने इस डन पर क्लिक करके फ्रेंड सेव कर देना है। फ्रेंड्स, आज की हमारी बात यही थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद है लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।